श्री राधे राधे भक्तों, संत का मिलना जीवन का सबसे बड़ा लाभ होता है। इसलिए संत मिलन सम सुख जग नाहीं, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा है कि यदि आपको जीवन में कोई वास्तव में उच्च कोटि के भागवत प्रेमी संत मिल जाएं, तो आपके जीवन का सबसे बड़ा लाभ आपको प्राप्त हो गया। महाराज, यहां तक कि राम जी के दर्शन से भी ज्यादा भरत जी के दर्शन का महत्व भरद्वाज जी ने कहा था कि दुनिया में जितने शुभ कर्म हैं सबका फल होता है राम जी का दर्शन, और ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा। और राम जी के भी दर्शन का फल यह है कि भरत जी आपका दर्शन मुझे मिला। कैसी ऊंची स्थिति होगी इन महापुरुषों की जो भगवान से भी ज्यादा महत्व मान रहे हैं भगवान के किसी उच्च कोटि के प्रेमी भक्त के दर्शन का महत्व। सीतापत सेवक सेवकाई काम धेनु सह सरिस भलाई, सच्चा प्रभु का भक्त मिल जाए तो भगवान के मिलने से भी ज्यादा उसका महत्व बताया गया। लेकिन इस बात को हर कोई समझ नहीं सकता, और हर व्यक्ति को ऐसा कोई भक्त मिल भी नहीं सकता, क्योंकि ऐसे भक्त बड़ी मुश्किल से ही मिल पाते हैं। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। बहुत जन्म का भाग्य हो तभी कोई ऐसा संत पुरुष का संग मिलता है, जैसे श्री हनुमान शरद पोद्दार जी थे। साधु वेश नहीं था, गृहस्थ का वेश था उनका, परंतु बहुत उच्च कोटि के साधु थे वो। ऐसे संत थे जिनका जीवन शुद्ध परोपकार युक्त भगवत प्रीति के रंग में रंगा हुआ था, और पूरा पूरा पहचान पाना मुश्किल था। यदि राधा बाबा ने उनको पूरा पहचाना था, लेकिन वो कहते हैं कि उनके वास्तविक स्वरूप का बोध हमें पता नहीं है। यहां तक कह देते हैं कि हमें बिल्कुल पता नहीं है। इसका मतलब ये आप नहीं समझिएगा कि राधा बाबा उनके स्वरूप को जानते नहीं थे। राधा बाबा कहते थे, जितना मैं जानता हूं वो बहुत कम जानता हूं। अर्थात श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी असीमित महिमा के थे, राधा बाबा बहुत जानते थे, फिर भी कहते हैं मैं बहुत कम जानता हूं उनको। यहां तक कहते हैं कि ये भाई जी तो मुझे बहुत सम्मान से रखते हैं, पर ईश्वर की साक्षी देकर ये बात कहता हूं कि यदि वो मुझे ठुकरा करके अपमानित करके भी रखें अपने साथ, तब भी मैं उन्हीं के साथ रहूंगा, क्योंकि जीवन में ऐसा संग मुझे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल ठीक मैं समझता हूं। राधा बाबा कहते हैं कि इनके संग जैसा संग मुझे नहीं मिलेगा कहीं भी कैसे भी, इसलिए मुझे अपमानित करके रखें, ठुकरा के रखें अपने पास, तब भी मैं रहूंगा, लेकिन मुझे तो बड़े सम्मान से प्यार से रखते हैं। राधा बाबा ये मानते हैं कि आज जो कुछ भी वास्तविक शांति वास्तविक आनंद मुझे है या बढ़ रहा हूं उस दिशा में, इन सब का
श्री गणेश भाई जी के दर्शन होने के बाद ही हुआ है। और ये भी ठीक ठीक मेरे मन में आती है कि यदि भाई जी का दर्शन मुझे नहीं मिला होता तो मेरा जीवन इतना सुंदर नहीं होता, इतना आनंद का नहीं होता जैसा आज है, और बड़ा नीरस हो जाता मेरा जीवन। राधा बाबा कहते हैं मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है श्री भाई जी का संग मुझे मिला। उस सत्संग का कितना महत्व समझ रहे हैं राधा बाबा। ऐसे संग का महत्व समझना भी मुश्किल भक्तों, और ऐसे संग के लिए सुंदरकांड में तुलसीदास जी कहते हैं तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक संग तूल ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। ऐसे भगवान के उच्च कोटि के महान प्रेमी के साथ थोड़ी देर भी रहने को मिले तो जीवन का परम लाभ होता है। और कितने भाग्यशाली थे राधा बाबा जो इनके प्रेम पात्र कृपा पात्र बन करके रहते थे, और बड़े प्यार से बड़े भाव से रखते थे पोद्दार जी, और राधा बाबा पोद्दार जी की महिमा को समझते थे। और कहते हैं मैं नहीं जान पाया, मैं नहीं समझता हूं, यहां तक कि कह देते हैं कि मैं बिल्कुल नहीं जानता इनकी महिमा को, बहुत कम जानता हूं, और जो मैं सोचता हूं एवं इन्हीं की कभी कभी दया जब उम्र पड़ती है उस समय जैसा अनुभव करता हूं वो बता नहीं सकता, अर्थात वर्णनातीत है वो। श्री राधा बाबा जी तो कहते हैं कि मैं इच्छा रखने पर भी नहीं बता सकता, केवल इतना ही कह सकता हूं कि उस समय भाई जी के प्रति इतना अधिक आकर्षण होता है जब वो कृपा करके कुछ प्रकट करते हैं अपने को, तो उसे वाणी के द्वारा समझा नहीं सकता। कुछ खास खास बातें जो इनके विषय में एक खास विश्वस्त सूत्र से पता लगा वे बातें याद आ जाती हैं, और फिर सोचता हूं कि पता नहीं वो दिन आएगा कि नहीं जब इनके चरणों में मैं अपने को पूर्ण रूप से न्योछावर कर सकूं। यद्यपि न्योछावर किए थे अपने को, लेकिन समझते हैं कि पूर्ण रूप से न्योछावर नहीं हुआ हूं। बोलते हैं कि अभी आज 8 बजे करीब सोच रहा था कि भाई जी से पूछूं कि भाई जी पता नहीं मैं पहले मरूंगा कि आप, पर यदि आपका शरीर पहले चला जाए तो हमें आप दर्शन देने की कृपा करेंगे क्या, क्योंकि आप तो जब चाहेंगे दर्शन दे सकते हैं, क्योंकि अभी तो मेरे में योग्यता नहीं आई कि आप पर न्योछावर हो जाऊं, और ये भी सोचता हूं कि ऐसा मौका न जाने हमें किस भाग्य से मिला है, फिर पीछे पछताना न पड़ जाए कहीं। बस इतना ही सुन करके जो उनके प्रेमी लोग थे भाव विभोर हो गए। वो कहते हैं कि एक महात्मा ने मुझे खास तौर से इनके संबंध में कुछ बातें लिखी थी। कोई अलौकिक महापुरुष होंगे जो भाई जी के विषय में बहुत जानते थे, तो उन्होंने भाई जी के विषय में लिख करके राधा बाबा को दिया था, और उन्होंने स्पष्ट लिख दिया था कि ये बातें किसी पर भी प्रकट मत करना। अब वो चिट्ठी पहले भाई जी के हाथ में आ गई, और भाई जी ने अर्थात हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने 10 दिन तक उसको राधा बाबा को दिया ही नहीं। फिर पता नहीं कैसे उनके मन में आया कि दे दिया। बात ये थी कि उस पत्र में उस अलौकिक संत ने अर्थात उन महान सिद्ध संत ने श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की महिमा लिखी थी, उनके विषय में बहुत सारी बातें लिखी थी जो कोई जानता नहीं,
तो उसको पोद्दार जी ने रख लिया, छिपा लिया उस पत्र को कि ये देना ठीक नहीं, लेकिन 10 दिन बाद फिर दे दिया। उसमें बात कुछ ऐसी मामूली ढंग से लिखी थी, लेकिन राधा बाबा कहते हैं मैं विचार करता हूं तो बहुत ऊंची स्थिति की बातें उसमें लिखी थी, गंभीर बातें थी, शब्द सरल थे लेकिन गंभीरता बहुत थी। वो तो यहां तक कहते हैं कि उस पत्र को पढ़ने के बाद पहले मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि क्या ऐसी ऊंची बातें इनकी है लिए हो सकती हैं। कहते हैं कि लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उस बात का रहस्य धीरे धीरे खुलता जा रहा है, और मैंने अब तक जितने शास्त्रों में संतों के नाम सुने हैं अब तक वैसी स्थिति किसी के जीवन में भी मैं नहीं पढ़ पाया हूं जैसे श्री हनुमंत पोद्दार जी के विषय में उन संत ने लिखा है। उन महात्मा ने ये लिखा है कि आज से 300 वर्ष पूर्व या कुछ ज्यादा पहले एक बहुत ऊंचे संत के जो श्री कृष्ण लीला में प्रवेश हो चुके थे उनका मुझे दर्शन हुआ, और मैंने उनसे ही श्री जयदयाल जी एवं भाई जी की पारमार्थिक स्थिति के विषय में प्रश्न किया, और उसका मैं सार जो है वो लिख रहा हूं पत्र में, किंतु ये पत्र किसी को दिखाना बताना नहीं। ऐसा सिद्ध पुरुष का लिखा हुआ पत्र मिला था राधा बाबा को, जिसमें जयदयाल जी का और खासतौर से श्री भाई जी का विशेष महत्व लिखा हुआ था, और राधा बाबा बताते हैं कि जो चिमनलाल गोस्वामी जी साथ में रहते हैं इन्होंने भी बहुत कुछ समझा है, पर पूरा समझना इनके बस का भी नहीं है, न मैं पूरा समझ सकता हूं न ये समझ सकते हैं। और महात्मा जी हम पर नाराज तो होंगे, ये मैं पत्र दिखा दूं बता दूं, इसलिए मैं दिखा नहीं सकता हूं उस पत्र को, न उसके बारे में पूरा बता सकता हूं। और कहते हैं कि अभी एक कारण ये भी है कि भाई जी इन बातों को मैं बता दूं तो नाराज होंगे, यदि पत्र की बातों को मैं बता दूं आप लोगों को तो भाई जी नाराज होंगे हम पर कि तुमने ये सब बात क्यों बता दिया लोगों को, और हमको धमकाने के लिए कोई ढंग अख्तियार करेंगे तो हमको आध्यात्मिक हानि हो सकती है, इसलिए भी मैं नहीं बता सकता हूं, किंतु ऐसे संत अभी तक नहीं हुए हैं ये मैं समझता हूं। भाई जी ने ऐसा कहा कि ऐसा संत मेरी जानकारी में नहीं हुआ, और कह रहे हैं कि मुझे भी भाई लगा कि यदि थोड़ा भी रुख उन्होंने कड़ा कर लिया तो मेरी जो उन्नति हो रही वो सर्वथा बंद हो जाएगी, और ये बातें उनके मन में ही हो ये सर्वथा मेरी कल्पना हो सकती है, अर्थात तो उनको संकोच में भी मैं डाल दूंगा यदि ऐसा बताऊंगा तो, इसलिए मैं पत्र की बात नहीं बता सकता। ऐसी बहुत सारी बातें राधा बाबा वो कहते थे, वो कहते मैं कभी अधिकारी जब हो पाऊंगा इनकी कृपा का पूर्ण अधिकारी तब मैं इनको पूरा समझ पाऊंगा। राधा बाबा कहते थे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को समझना ही मुश्किल है, इनकी कृपा का पूरा अधिकारी कोई हो तो इनको समझ सकता, अन्यथा समझना मुश्किल है। भक्तों राधा बाबा का भाव बहुत ऊंचा था, और मैं आपको पहले सुना चुका हूं कि पहले जयदयाल गोविंदका जी के साथ रहते थे, और जयदयाल गोविंदका जी ने जब भाई जी के पास भेजा तब भी राधा बाबा का
मन कम था, लेकिन ऐसी परिस्थिति आई कि उनके पास जाना पड़ा गीता प्रेस में, क्योंकि उसमें पोद्दार जी ही थे, वहां गोविंदका जी थे नहीं, इसलिए उनके पास जाना हुआ। तो वो कहते हैं राधा बाबा कि कोई ये ना समझ ले कि जयदयाल जी और श्री भाई जी में मैं छोटा बड़ा किसी को बता रहा हूं। वो कहते हैं मैं तो जयदयाल जी के चरणों की जूती बनकर भी उनका ऋण नहीं चुका सकता। अब आप समझिए इस बात को, बड़ा गंभीर रहस्य की बात है। जयदयाल जी के चरणों की जूती बनकर भी उनका ऋण नहीं चुका सकता, क्योंकि 3 साल अपने पास रख कर उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं भाई जी के पास रहने की योग्यता प्राप्त कर सकूं। ये जो एहसान था, इसलिए कह रहे हैं कि मैं उनके चरणों की जूती बनकर रहूं तो भी ठीक। कहते हैं पर मैं क्या करूं, मेरा मन भाई जी के प्रति अधिक खींचता है, इसलिए गोविंदका जी के चरणों में सब प्रकार से नौछावर होने की चाहना करने पर भी किसी खास विशेष पारमार्थिक कारण से भाई जी के पास रहता हूं। यद्यपि गोविंदका जी मुझे बहुत प्यारे हैं और मैं नहीं संकोच कर सकता हूं कि उनके चरणों में भक्ति रखने वाले घनश्याम जी, राम सुखदास जी आदि के चरणों की रज को मैं हृदय से आदर करता हूं, पर कुछ ऐसी बातें जिसे मनुष्य मेरी समझ में भगवान के समझाने से भले ही समझे, नहीं तो ताकत नहीं कि मैं उसको समझा सकूं, क्योंकि मैं उनके प्रति इतना ऊंचा भाव रखकर भी उनकी कोई बात नहीं कभी कभी मान सकता। लोगों में गलत फहमी होगी कि मैं जयदयाल जी और भाई जी में छोटा बड़ा की कल्पना कर रहा हूं, पर मुझे भाई जी के साथ रहने में विशेष आनंद मिलता है और मेरे लिए ठीक ही है कि भाई जी से अधिक बड़ा और कोई नहीं। मैं गोविंदका जी का तिरस्कार नहीं करता हूं, ऐसा वो कहते हैं, लेकिन मेरा मन भाई जी के साथ रहता है। राधा बाबा कहते हैं कि मैं अहंकार नहीं मानता, सच मानिए मेरी शक्ति बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी को भी कुछ कर सकूं, पर मेरे मन की अवस्था कुछ ऐसी है कि मैं भाई जी के प्रति जो श्रद्धा रखता हूं वही मुझे बहुत प्रिय है। मैं उनसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहता और मेरा प्रेम उनसे है, क्योंकि भाई जी जैसे व्यक्ति के लिए जो मेरे मन में स्थान है वो उनको जानने वाले सभी के मन में स्थान है। और मैंने देख लिया है कि जो उनके निकट रहे हैं, जो थोड़ा जानते हैं, उन सब के मन में भाई जी के लिए बहुत ऊंचा स्थान है। राधा बाबा कहते हैं कि मुझे उनके विषय में चर्चा करना अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, इसलिए मैं भाई जी की चर्चा करता रहता हूं, उनके विषय में थोड़ी बातें करता हूं तो मेरा हृदय आनंद से भर जाता है। भाई जी की बात कहते हैं, कहने सुनने से मेरा हृदय आनंद से भर जाता है, इसलिए मैं उन्हीं की बात करना चाहता हूं और जो कुछ वो सेवा बताएं उसमें थोड़ा सा लगता हूं, लेकिन मेरा मन तो डूबा रहता है उनकी महिमा में और भगवान कृष्ण की लीला में जो उनके शरीर का आश्रय लेकर वो करते रहते हैं। राधा बाबा कहते हैं मुझे लेकिन डर लगता है कि मैं भाई जी की महिमा की बातों को सुना देता हूं जब, तो मुझे डर लगता है कि कहीं भाई जी को नाराजगी न हो जाए कि मेरी इतनी महिमा क्यों बताते हो तुम। फिर उन्होंने चिमनलाल गोस्वामी और गंभीर चंद द्विजारी जो भाई जी के साथ रहते थे,
उनसे कहा कि सच मानिए, जिन बातों को मैं कहने जा रहा हूँ, यदि उस पर मेरा पूर्ण रूप से विश्वास हो गया होता तो मेरा जीवन इतना विलक्षण होता कि मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। भाई जी के प्रति मेरा आकर्षण, मेरा व्यवहार ऐसा होता कि वो जगत के लिए, श्रद्धा के लिए आदर्श हो जाता, लेकिन वो बन नहीं पाया आज तक। राधा बाबा कहते हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण भक्त वांछा कल्पतरु हैं, ऐसे ही श्री भाई जी भक्त वांछा कल्पतरु हैं। मेरे मन में इच्छा ही नहीं होती कि प्रार्थना करूं, यही आता है मन में कि अब इनसे क्या प्रार्थना करूं, ये तो पूर्ण है, जैसे जैसे पर्दा उठ रहा उसी क्रम से उठने दूं, नहीं तो निस्संदेह उसी क्षण भाई जी से मेरी प्रार्थना जो मैं करूं पूर्ण कर देंगे। पर जिस दिन से ये बात मैंने सुनी है उनके विषय में, उस दिन से मुझे अत्यधिक पारमार्थिक लाभ हुए हैं, जिन्हें मैं पूरा पूरा बता भी नहीं सकता। राधा बाबा कहते हैं जो पत्र मुझे उस सिद्ध संत पुरुष ने दिया था, वो मैं अपने एक पुस्तक में छिपा कर रखता हूं, वो पत्र मैं किसी को दिखाता नहीं हूं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इसको किसी को दिखाना नहीं। मेरे पास वो प्राण के समान वो पत्र रहता है, नित्य कर्म की पुस्तक में रखता हूं, कहीं वो खो न जाए इसकी चिंता मुझे रहती है, क्योंकि उसमें भाई जी के विषय में और पोद्दार जी के विषय में भी बहुत अद्भुत बातें लिखी हुई हैं। और वो कहते हैं कि ये पत्र तो मेरा शरीर छूटने के बाद ही किसी को मिल पाएगा और तब पूरी बात समझ में आएगी। और वो राधा बाबा कहते हैं कि ऐतिहासिक ज्ञान के आधार पर मैं ये समझता हूं कि वो पत्र देने वाले उन महात्मा का प्रादुर्भाव उस समय हुआ होगा जब शाह अकबर दिल्ली के तख्त पर थे। उनसे जब उन्होंने पूछा कि आप जय दयाल जी एवं हनुमान प्रसाद जी के विषय में बतलाइए, बहुत से प्रश्नों के बाद पूछा, तो इसके उत्तर में उन्होंने जो कहा था वो उसमें कुछ लिखा हुआ है, फिर वो बताते हैं महाराज, बड़ी अद्भुत बातें बताते हैं कि हनुमान प्रसाद जी का सूक्ष्म शरीर बिल्कुल श्री प्रिया जी का स्वरूप हो गया है। इतने में बहुत गहरी बातें, बहुत गूढ़ बातें बता दिया राधा बाबा ने। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार का जो सूक्ष्म शरीर है अर्थात पंचभूत के अंदर का, वो बिल्कुल श्री प्रिया जी का स्वरूप हो गया अर्थात राधा रानी का स्वरूप हो गया। अब सूक्ष्म शरीर क्या है, भाई जी का पांच भौतिक शरीर जो इंद्री गोलकों के सहित अर्थात इंद्री गोलकों के सहित जो पांच भौतिक ढांचा है, केवल उतना ही बचा हुआ है और उसके अलावा सब कुछ पूरा का पूरा राधा रानी का रूप हो गया है। और आज तक इस पारमार्थिक स्थिति का वर्णन मैंने किसी शास्त्र में भी नहीं पढ़ा, और चैतन्य महाप्रभु के सिवा किसी भी भक्त के जीवन में इस स्थिति का संकेत प्राप्त नहीं होता। मैं यह नहीं कहता कि जगत के इतिहास में भाई जी का पहला उदाहरण, ऐसे कुछ विरले महात्मा हुए होंगे, पर वो बात प्रकाश में नहीं आई और ऋषियों ने जानबूझकर, मालूम पड़ता है कि शास्त्र में इस स्थिति का उल्लेख नहीं किया, और कहीं उल्लेख हो तो मेरी दृष्टि में अभी तक आया नहीं। राधा बाबा का कहना है कि वस्तुतः श्री कृष्ण की इस गोपी भाव की लीला एवं सब प्रकरण सर्वथा अनिर्वचनीय वस्तु है। ब्रह्म की प्राप्ति के बाद उस तत्व का उन्मेष भाग्यशाली महापुरुषों में होता है, वो सर्वथा मन वाणी से परे की चीज है, पर संकेत से ही कभी कभी कुछ भगवान बतला देते हैं, भगवान के पार्षद बतला देते हैं। बड़ी अद्भुत बातें राधा बाबा बताते थे पोद्दार जी के विषय में, उनकी कुछ और गुण बातों को
मैं आपको फिर सुनाऊंगा। अभी मैं इनको यहीं प्रणाम करके, राधा बाबा जी को और पोद्दार जी को यहीं प्रणाम कर रहा हूँ और विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।